समटाइम्स पेशेंट इज नॉट एबल टू फाइंड आउट, और चोट लगने के बाद पेशेंट समझ नहीं पाता है कि हड्डी कहाँ से टूटी है। जब बहुत सिंपल फ्रैक्चर्स होते हैं तो ऐसे फ्रैक्चर्स में पेशेंट, जैसे ये पेशेंट थे मेरे, इनके हथौड़ा लगने से चोट लगी थी, तो इनको पता ही नहीं चला कि मेरा जबड़ा टूटा है, क्या तकलीफ है। तो कभी कभी ऐसे पेशेंट्स में हम लोग एक सिंपल डायग्नोसिस से देख सकते हैं। हम अपने जबड़े को पकड़ के, हम जबड़े की हड्डी को पकड़ के हिला के चेक कर सकते हैं कि फ्रैक्चर है या नहीं है। यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि वी कैन इजीली डिफरेंशिएट बोथ पोर्शंस वर सेपरेटेड। इफ वी आर मूविंग दिस पार्ट ऑफ मैंडिबल, वी आर नॉट गेटिंग मोबिलिटी ऑन अनदर कॉन्टालेटल साइड। यू कैन सी राइट हियर, सी। सो दिस पेशेंट इज हैविंग मैंडिबुलर सिम्फाइसिस फ्रैक्चर। सो वी आर मैनेजिंग इट विद ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। वट इज हैपनिंग इन ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन? एक हड्डी के अंदर हम प्लेट डाल के जबड़े को स्टेबलाइज कर देते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? ऐसे फ्रैक्चर्स को हमें 15 से 20 दिन के लिए जोड़ के रखना पड़ता है। अगर हम इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन करते हैं या आर्च बार से दांतों को फिक्स करके रोक के रखते हैं, उसकी जगह हम लोग सीधे डायरेक्टली जबड़े में प्लेट डाल देते हैं और उस प्लेट के थ्रू जबड़े को कस देते हैं, और जिसके सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं। और आइडियल प्रोसीजर फॉर मैंडिबुलर रिडक्शन और फ्रैक्चर फिक्सेशन इज दिस ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। हम बोन को एक्सपोज करते हैं, देखते हैं कहाँ है फ्रैक्चर, क्लीन करते हैं बीच के फ्रैगमेंट्स को, और सारा इन्फेक्शन हटाने के बाद में हम प्लेट डाल देते हैं। प्लेट्स के भी हमारे पास कई ऑप्शन हैं। वी कैन प्लेस स्टेनलेस स्टील प्लेट्स, और वी कैन ऑल्सो प्रोसीड फॉर टाइटेनियम मिनी प्लेट्स। उसके अलावा लेग स्क्रू भी एक ऑप्शन है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट दैट इज एन आउटडेटेड प्रोसीजर और पहले चलन में था, अब नहीं यूज होता है। तो सबसे सिंपल है, छोटा सा एक चीरा देके एक सिंपल से प्लेट लगा देते हैं और मैंडिबल को रिड्यूस कर देते हैं।